गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह आई वेलकम यू ऑन बोर्ड टू द प्रेजेंट सेशन ऑफ डेली करंट अफेयर्स एक्सप्रेस ऑन इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इस अकेडमी तो अनकेडमी के यूट्यूब चैनल लेट स्क्रैक यूपीएससी सीएसई में आप सभी लोगों का स्वागत है स्टूडेंट्स आज का करंट अफेयर्स का सेशन हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस लाइव फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स

Uh, this tariff out here and use a referral code ANURAG to get a 10% off on these plans and also get my notes, booklets and PDF free of cost. So 10% off will be you my WhatsApp group pe for the purpose of note sharing. And students you can see this is my profile link ANURAG IMS is the search link upon Unacademy follow Kij and uh, this uh, every day in the evening 7.30pm I come live on the Unacademy app. एंड स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो सी दिस फ्री मेगा टेस्ट सीरीज अपन दिन अकेडमी एप फॉर एवरी वन यू कैन जस्ट डाउनलोड दार्टिसिपेट इन इट तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का सेशन आज है पच्चीस जनवरी डेली करंट अफेयर्स एक्सप्रेस हर न्यूज को हम देखेंगे uh, दो परस्पेक्टिव से फर्स्ट इज डी कोड इंटरलिंक अप्रोच ये मेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेन्स में आंसर राइटिंग तो न्यूज को डी कोड करना है इंटरलिंक करना है वेरियस पार्ट ऑफ सिलेबस से ताकि प्लस वन प्लस टू मार्क्स हम आंसर राइटिंग में ले सके बाई जस्ट एडिंग अप द न्यूज इन द आंसर्स रिलेवेंट न्यूज इन द आंसर्स एंड दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन दिस दिस विल गिव यू एन एज इन द आंसर राइटिंग एंड सेकेंड इज थ्री सिक्सटी डिग्री अप्रोच प्रिलेम्स के लिए बहुत ही असेंशियल प्रिलेम्स के लिए बैकग्राउंड क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं आ रहे हैं अब ठीक है तो हम ये दोनों अप्रोच से एवरी न्यूज देखेंगे एंड इंटेंसिव रिविजन वी आर गोइंग टू सी फॉर ट्वेंटी फोर जैन कल के न्यूज का एक रिविजन लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो निकाल लीजिए एटलस स्टूडेंट्स, टेक आउट जीएस पेपर वन टू थ्री फोर सिलेबस, टेक आउट न्यूज नोटबुक एंड टेक आउट पेन्स लेट्स टेक ऑफ इन टूडे सेशन तो सबसे पहले हम लोग एक रिविजन देख लिया जाए चौबीस जनवरी के न्यूज सिनॉपसिस का ये देखते हैं ठीक है चौबीस जनवरी का न्यूज सिनोपिस लेट्स ट्वेंटी फोर जनवरी द फर्स्ट न्यूज विच वॉज इम्पोर्टेंट ये स्टडे वॉज इंडियन नेवी का रिपब्लिक डे टैबलेक्ट नाइनटीन फोर्टी सिक्स अपराइजिंग रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी मैंने पढ़ाया कल डिटेल में आर आई एन म्यूटिनी हिस्ट्री का टॉपिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का टॉपिक एंड दिस वॉज द लास्ट मेजर इवेंट बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इट वॉज यू पी एस सी ने सवाल पूछा भी है इट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ये, ये देखिए लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ये देखिए अंतिम कील थी उस ताबूत में ब्रिटिश एम्पायर के कॉफिन में ये देखिए इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ठीक है तो इसे याद रखिए आर आई एन म्यूटनी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्रेलिम्स में भी क्वेश्चन तो क्वेश्चन आया हुआ है पहले इट कैन कम अप अगेन प्रलिम्स के लिए लेकिन सबसे बड़ी बात डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का स्टांस क्या था Who supported it and who did not support it? Uh, the political party stance over RIN mutiny. Second news, you calling important for students. Omicron has reached uh, this uh, community transmission stage, that's stage three. Yes. एंड ये किसने कहा इंसा कॉग ने कहा इंसाकॉग किसने क्रिएट किया कौन से बॉडीज ने कौन सी चार एजेंसीज हैं इंडिया में जो इन्वॉल्व हैं इंसाकॉक क्रिएशन के पीछे इट इज़ द कंसोर्टियम इट इज़ द इंडियन सार्स कोरोना वायरस जीनोमिक्स कंसोर्टियम ये इंसाकॉग ट्वेंटी एट लैब्स का एक ग्रुप है डॉक्टर्स रिसर्चर्स साइंटिस्ट उसमें हैं कौन सी फोर मिनिस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व है आप याद कर लीजिएगा इंसाकॉक के पीछे एंड दिस कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब क्या है मैंने कल बताया था ये देखिए तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज इंसाकॉक के ऊपर देख लीजिएगा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स वी टू सी समथिंग कॉल्ड एज इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोगों ने देखा रशिया uh, और यूएस का स्टैंड चल रहा है फोर वे टॉक्स बिगिन इन पेरिस और आज फिर न्यूज आया नेटो ने अपनी एयरोप्लेन भेज दी है यूक्रेन की तरफ और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में स्टैंड स्टैंड बाई में रखा गया है नेटो की एरोप्लेन्स को एंड दिस सिग्निफाइज द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ टेंशन इन द लास्ट थ्री डिकेड्स बिटवीन एनी टू कंट्रीज तो नाइनटीन नाइन्टीज के पहले जो सोवियत यूनियन और यूएस का जो कोल्ड वॉर था वो वापसी कर गया है एकदम बिल्कुल उसी तरीके से एंड इट कैन बी इट कैन बी कंपेयर दिस प्रेजेंट इन आई यू कैन बी कंपेयर टू द येस्टर ईयर्स टू द पास्ट इन द सेवेंटीज एंड एटीज कोल्ड वॉर क्स्ट uh, ये टोंगा uh, के बारे में हम लोगों ने पढ़ा टोंगा कहां पे टोंगा uh, uh, याद रखियेगा टोंगा ट्रेंच ठीक है एंड uh, इसके अलावा नेक्स्ट वी ऑल्सो सॉ ओसलो टॉक्स बिगिन ओसलो टॉक्स बिगिन ओवर अफगानिस्तान पीस प्रोसेस सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ में तालिबान का बातचीत शुरू हो गया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस मेंस के लिए एक वैल्यू एडिशन के रखिएगा इस चीज़ को नेक्स्ट नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में भी और मेंस में सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है दिस पीडीएस स्कीम में इन द पीडीएस डी एस स्कीम न्यू ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट ओ एस एम ऑनलाइन स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम हैज़ बिगन ये पंद्रह मार्च दो हज़ार बाईस से शुरू हो जाएगा इट्स ऑल अबाउट इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ डेटाबेस कीपिंग अ डेटाबेस रियल टाइम एंट्रीज ऑफ़ कितने फूड ग्रेन्स हैं कितने पैकेट्स हैं कौन से स्टोर हाउस में इसमें एफ के गोडाउंस सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के गोडाउंस एंड सेंट स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के गोडाउंस में कितने फूड uh, ग्रेन्स रखे हुए हैं क्वालिटी क्या है क्वांटिटी क्या है इन शॉर्ट ट्रांसपेरेंसी एफिशियंसी ट्रैकिंग ऑफ द कंप्लीट पी सिस्टम यस इट वॉज नीडेड स्टूडेंट्स एंड uh, ये टॉपिक एक अम्बरेला टॉपिक मल्टीपल प्लेसेस एंड प्लेस आ सकता है इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछेगा पर्सनली दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ ये फॉलोड बाई इंसा कॉक ये देखिए नेक्स्ट आफ्टर दिस वी वे नोट सी दट छोटा खीरा ठीक है उसमें इंडिया बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड एंड बनारस इज ऑल्सो एमर्जिंग एज एग्री एक्सपोर्ट हब कर्ट सी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और उसके बाद वी वेंट ऑन टू तो सी द दिस डाइकोटॉमी इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स डाइकोटॉमी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए डाइकोटॉमी एग्जिस्टेंस ऑफ टू अपोजिट्स इन इन द सेम कंसेप्ट डाइकोटॉमी इंडिया का एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है इंडिया का इम्पोर्ट्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है वाई दिस डाइकोटॉमी इन इंडियाज ट्रेड ये सवाल मेन्स में फुल फ्लेजेड टेन मार्क्स का ये आ सकता है ये देखिए and दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ यर स्टडे India इन इंडिया marks question मार्क्स क्वेश्चन वर्ड्स कमेंट करने के लिए उसके अलावा प्रेलम्स के लिए इंसाकॉक एंड OSM एस एम सिस्टम very important और बाकी न्यूज आप लीव भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स बिगिन टुडे सेशन आज 25 जनवरी जीएस पेपर वन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंशंट एंड मिडिवल हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से कोई न्यूज नहीं आज जीएस पेपर वन इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज कोई न्यूज नहीं लेट्स शिफ्ट टू जी एस पेपर टू अब्लिक थ्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी पहला न्यूज ये रहा आपके स्क्रीन पर सो हंड्रेड टेररिस्ट वेटिंग अक्रॉस द बॉर्डर बी एस एफ की इंटेलिजेंस ने कहा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंटेलिजेंस टोल्ड दट हंड्रेड टेररिस्ट आर वेटिंग अक्रॉस द बॉर्डर टू इनफिल्ट्रेट इन टू इंडिया समथिंग कॉल्ड इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म विच इज स्टेट स्पॉन्सर्ड बाई पाकिस्तान आई होप यू एग्री ये देखिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म And uh, overall situation is peaceful since ceasefire agreement with Pakistan. Infiltration bits on the vein. Infiltration के attempts come हुए हैं लेकिन wait कर रहे हैं ये terrorists. और इसका मतलब India की internal security खतरे में है कश्मीर के पास ये देखिए internal security ये देखिए

यूपीएससी भी हर एक साल छोड़कर यह सवाल पुट अप करता है मेंस में तो ये देखिए हाउ एवर बी एस एफ ओवरऑल सिचुएशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल हैज बीन पीसफुल सिंस द फायर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन टू अब कौन सी uh, दिस, कौन सा पैरामिलिटरी ट्रूप या इंडियन आर्मी कहां पे गार्ड करती है कौन से देश के साथ बॉर्डर्स टू डेज बैक ट थ्रू आर्टिकल पब्लिश इन द इंडियन एक्सप्रेस आई होप आपने वो आर्टिकल पढ़ा होगा मैंने ऐप पर ले लिया था वो सेशन उस दिन का ये आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स का सेशन उसमें इंडिया नीड्स अ सिंगल सिक्योरिटी एजेंसी टू गार्ड द बॉर्डर्स ठीक है क्योंकि इंडिया की मल्टीपल एजेंसी इन्वॉल्व हैं मल्टीपल कंट्रीज के साथ जो बाउंड्री पे दिस बॉर्डर्स गार्ड करने के लिए तो बी एस एफ इज इन्वॉल्व इन बांग्लादेश बांग्लादेश बॉर्डर एंड पाकिस्तान बॉर्डर आप देख सकते हैं यहां पे तो बाय डिफॉल्ट टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हैज इट्स ओन लिंकेजेस यस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म प्रमोट्स मनी लॉन्ड्रिंग प्रमोट्स ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इज अफेक्टेड बाय ड्रग ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग ड्रग ट्रैफिकिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म ऑल आर इंटरलिंक्ड यस तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में ये न्यूज वैल्यू एडिशन केवल ये आप पुट अप कर सकते हैं एंड दिस सिग्निफाइज एक सवाल यहां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का स्टेट स्पॉन्सर्ड यस जब कहीं की अथॉरिटी जब किसी देश की अथॉरिटी ही प्रोमोट uh, करे टेररिज्म को उसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहते हैं तो दिस इन बीन ऑल्सोन दैट पाकिस्तानी आर्मी हैज बीन इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग द टेररिस्ट एल पुशिंग देम अक्रॉस इंडियन बॉर्डर्स ठीक है तो ये स्टेट स्पॉन्सर टेरिज्म का एक क्लासिकल एग्जाम्पल साउथ एशिया में वेर पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व रहती है इसमें। ये थ्री डेज बैक आई सपोज सेशन ऑफ एडिटोरियल्स वाज़ नॉट हेल्ड अप ऑन द यूट्यूब द दी ऐप इन इवनिंग एट सिक्स देख लीजिएगा फ्राइडे या सैटरडे की बात है शनिवार की बात है शायद यस yes. ठीक है तो ये पहला न्यूज हो गया सेकंड न्यूज मराइटल रेप पर सेंटर सिक्स टाइम इन द हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है स्टूडेंट्स उसी uh, uh, केस के सिलसिले में डिस्कशंस एंड डिबेट्स चल रहे हैं सेंटर से जवाब मांगा है हाई कोर्ट ने आई देखते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली वेन देर इज नो इमीडियंट थ्रेट द सॉलिसिटर जनरल हैज सेट द सेंटर ऑन मंडे टोल्ड द दिल्ली हाई कोर्ट दैट द इश्यू ऑफ ध्यान दीजिएगा इश्यू ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मराइटल रेप इनवॉल्व फैमिली इश्यूज तो मराइटल रेप दिस वर्ल्ड कम्स अपने दीजिए दीजिएगा इन इंडिया मराइटल रेप इज नॉट डिफाइंड इन एनी स्टैट्यूट और लॉ तो इट्स इट्स नॉट दिस मराइटल रेप यानी दिस है वाइफ विदाउट विदाउट हर कंसेंट इसे मराइटल रेप कहा गया है एंड इट हैज़ बिन इट हैज़ बिन क्रिमिलाइज अक्रॉस मैनी ऑफ द कंट्रीज लेकिन इस जगह पे मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज में अच्छी खासी जगहों पर दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड अ क्राइम और इस पर अभी तक सेंटर से जो जवाब मांगा गया था सेंटर से जवाब मांगने पर सेंटर ने कहा था दैट यस देयर इज इम्यूनिटी इन दिस कंसेप्ट एंड आइए देखते हैं इसको डिटेल में पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज से आइए देखते हैं So, Delhi High Court is hearing a challenge to the constitutional validity of the marital rape immunity dekhi, immunity granted to the individuals after marriage, provided for in the Indian Penal Code. The case has put the spotlight on crucial issues concerning consent, the extent or state control on female sexual autonomy, and correcting historical prejudices in law. So, what is the case about? A two-judge bench, dhyan टू जज बेंच ऑफ जस्टिस राजीव शकदेर एंड सी हरिशंकर शंकर इज हियरिंग अ क्लच ऑफ फोर पिटिशन चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एक्सेप्शन देखिए सेक्शन 375 सेवनटी फाइव ऑफ इंडियन पीनल कोड जिसमें दिस पेनाल्टीज एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू रेप लिखा हुआ है उसमें एक्सेप्शन है मराइटल रेप अपार्ट फ्रॉम द पिटिशनर्स हुक्लूड दीज ग्रुप्स ये देखिए समर एडवोकेट्स आर ऑल्सो इन द इन दिस केस आईपीसी सेक्शन थ्री सेवेंटी फाइव डिफाइन्स रेप एंड लिस्ट सेवन नोशन ऑफ कंसेंट दैट इफिटेड वुस्टीट्यूट दस ऑफ रेप रेप कब कहा जाता है ये सेक्शन ये धारा तीन सौ पचहत्तर आईपीसी में दिया हुआ डिटेल में लेकिन वहां पर एग्जैम्पन है एक्सेप्शन एंड एग्जैम्पन इम्यूनिटी द क्रूशल एग्जैम्पन इज सेक्शुअल इंटरकोर्स और सेक्शुअल एक्ट बाई अ मैन विध हिज ओन वाइफ The wife not being under 18 years of age is not rape. इसी को चैलेंज किया गया है ये देखिए इसको चैलेंज किया गया द एग्जेपन एसेंशली अलाउज ध्यान दीजिएगा दिस एक्जेंशन एसेंशियली अलाउज अ मराइटल राइट टू अ असबेंड हु कैन विद लीगल सैंक्शन एक्सरसाइज इज राइट टू कंसेंसुअल और नॉन कंसेंसुअल सेक्स विद हिज वाइफ सो दिस केस हैज गॉन अप ऑल टू एनश्योर द सेक्शुअल ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग सेक्स फ्रॉम द साइड ऑफ अ वुमेन फ्रॉम द साइड ऑफ अ मैरिड वुमेन एंड ये एग्जेम्पन अभी तक चैलेंज नहीं हुआ था अब क्यों चैलेंज हो रहा है वाई इज दिस एग्जेपन बींग चैलेंज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा रहा है इट द कंसेंट ऑफ अ वुमेन बेस्ड अन अ स्टेटस आफ्टर मैरिज द कंसेंट इज नॉट रिक्वायर्ड ये लिखा हुआ है यहां पे तो ये अभी अभी क्यों चैलेंज हो रहा है क्योंकि ध्यान दीजिएगा अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा केसेस बहुत ज्यादा वर्डिक्ट आए हैं आर्टिकल ट्वेंटी वन और आर्टिकल नाइनटीन को लेकर सुनिएगा द चैलेंज टू मैरिटल रेप हैज बिन पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ स्लीव ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स रूलिंग सेवेंटीन आधार रूलिंग दैट ब्रॉट आउट राइट टू प्राइवेसी ये ध्यान दीजिएगा सेकेंड पॉइंट द टू थाउजेंड सेवेंटीन रूलिंग दैट स्ट्रक डाउन द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये देखिए मीन्स ये सब केसेस जो आए सामने इसकी वजह से बिकॉज ऑफ this, uh, this दिस दिस कंसेप्ट इज कमिंग अप दैट इवन यहां पर एग्जैम्पन डिसअलाउ किया जाना चाहिए एंड <laughs> the 2018 ruling that held ipc section 377 unconstitutional to the extent that it criminalized homosexuality <laughs> so this all this uh, these uh, slew of verdicts this uh, number of verdicts which have come up now they have pointed out towards this uh, exemption as uh, exemption yeah, immunity as unconstitutional राइट टू इक्वालिटी ट्वेंटी पर्सन हुड सेक्शुअल एंड पर्सन ऑटोनॉमी एंड ऑल्सो द राइट टू फ्रीडम्स आर्टिकल नाइनटीन आर्टिकल चौदह उन्नीस और इक्कीस ये देखिए यहां पर इन्वॉल्व तो द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज इन फैक्ट टू वट एंड और रीजन द लॉ कैंड वैलिडेट द इनक्रोचमेंट ऑफ दिस राइट्स तो एक बहुत ही स्टूडेंट से एक बहुत ही कॉम्पलेक्स uh, केस गया हुआ है अभी हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में आप कॉम्पलेक्स क्यों है वाई इज एनी वन सींग इट कॉम्प्लेक्स सेंटर भी कह रहा है कॉम्प्लेक्स है वाई बिकॉज बिकॉज अंड यू एडवांटेज माइट बी टेकन ऑफ इफ दिस इम्यूनिटी दिस इम्यूनिटी इज रिमूव्ड सेंटर कह रहा है कि इसमें फैमिली इश्यूज इन्वॉल्व है फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन टूट सकता है इसी इसी इम्यूनिटी के हटने से ये देखिए फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन बिकॉज इन द ए एयर ऑफ ग्लोबलाइजेशन टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ एनी लॉ ये बहुत कॉमन हो चला है एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लेकर ही सेंटर ने ये बोला है दैट दिस उसमें इतने फेक एंड फ्रॉड केसेस आए हैं दैट इन दिस ऑल्सो इट माइट कम अप एंड फैमिली एज इंस्टीट्यूशन माइट ब्रेक डाउन इन द कंट्री डू यू एग्री टेल मी स्टूडेंट ये देखिए सो देर इज इज नीड ऑफ अ कॉशियस अप्रोच सेंटर ने कहा हम जवाब देंगे हम एक डेली डिस्कशन करेंगे स्टेक होल्डर्स के साथ में डिस्कशन करके जवाब देंगे और नियम भी लाएंगे लेकिन थोड़ा कॉशियस अप्रोच जल्दबाजी काम बिगाड़ देगा यहाँ पर <laughs> ठीक है यही सेंटर ने कहा सेंटर ने कहा जवाब आएगा एंड यस इम्यूनिटी हटनी चाहिए बट बट वी नीड टाइम क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल टॉपिक वी नीड टू बैलेंस इट अदरवाइज फैमिली फैमिली इश्यूज आर इन्वॉल्व द इश्यूज ऑफ चिल्ड्रेन इन साइड द फैमिली आर इन्वॉल्व ये देखिए ठीक है एंड वी कैनॉट लुक इट फ्रॉम अ माइक्रोस्कोपिक एंगल दर इज डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड स्टेक ऑल्सो डिग्निटी ऑफ वुमेन फैमिली की स्टेबिलिटी एंड बच्चों का फ्यूचर ये सब कुछ इन्वॉल्व है विल ब्रिंग आउट अ लॉ विल ब्रिंग आउटर बट वी नीड टाइम फॉर इट सो दिस इज इट वॉट यस द थिंग इज दैट इम्यूनिटी इज इन फैक्ट इम्यूनिटी एग्जाम्शन जो दिया गया दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल लुकिंग एट इट फ्रॉम द परिव ल लॉ अगर कानून के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो बिल्कुल बाकायदे ये एग्जैम्पन मराइटल रेप uh, का जो एग्जैम्पन है क्राइम uh, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो चलिए देखा जाए अब आगे क्या होता है लेकिन एक, एक बात तो है दैट दिस इश्यू इज गोइंग टू मीन्स नेक्स्ट सिक्स सेवन मंथस एट मंथ तक जब तक केस चलेगा और जब तक आएंगे कुछ ना कुछ बातें सेंटर जब तक, तक जवाब नहीं देगा तब तक ये मुद्दा रहेगा सामने कोर्ट के तो मेंस में फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ ध्यान दीजिएगा इन इंटरव्यू यू कैन बी आस्ट दैट व्हाट शुड बी द देंटर स्टांस आपको बोलना है कि सेंटर का स्टांस सर थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ में एग्जेम्शन हटाने की तरफ रहना चाहिए बट यस द स्टेबिलिटी ऑफ द फैमिली शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ फ्यूचर इज एट स्टेक यस डिग्निटी ऑफ वुमेन इज ऑल्सो एट स्टेक वो भी देखना है हमें लेकिन हमें सब फाइन ट्यून एंड बैलेंस करके चलना है चलिए आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ ये तो जीएस पेपर टू का इंट, ए, इंटरनल सिक्योरिटी एंड पॉलिटी के टॉपिक थे आईआर का टॉपिक देखते हैं जीएस पेपर टू में द फर्स्ट न्यूज कमिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड इसमें न्यूज देखिए कुछ न्यूज रिपीट आ रहे हैं यूक्रेन क्राइसिस वेस्ट ब्रेसिस फॉर रशियन एग्रेशन नेटो सेंट जेट्स एंड वॉरशिप्स टू यूक्रेन यूक्रेन देखिए रेड से मार्क कर दिया यहां पे इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है ये देखिए एंड ये साफ साफ दिखा रहा है क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच गया है कोल्ड वॉर पार्ट टू नेटो सेट ऑन मंडे इट वाज पुटिंग फोर्सेस ऑन स्टैंड बाई एंड री इनफोर्सिंग ईस्टर्न यूरोप विद मोर शिप्स एंड फाइटर जेट्स इन वॉट रशियड एनाउंस एन एस्केलेशन द टेंशन इन यूक्रेन ये देखिए तो देखिए रोमानिया में फ्रांस इज रेडी टू सेंड द ट्रूप्स ये देखिए बुल्गारिया में नीदरलैंड्स सेंड्स जेट्स एंड यू कैन हैव अ लुक इन एंड बुल्गारिया स्पेन सेंडिंग वॉरशिप्स एंड फाइटर जेट्स ये स्पेन एंड नीदरलैंड्स बुल्गारिया में भेज चुके हैं फ्रांस भेज चुका है रोमानिया में एंड इन लिथुआनिया डेनमार्क इज सेंडिंग द फ्री एंड डिप्लॉइंग एफ सिक्सटीन विमान ये देखिए लिथुआनिया में यूक्रेन के आसपास नेटो खड़ा हो गया है रशिया को काउंटर करने के लिए एंड हैव लुक स्टूडेंट्स रशिया डिनाइज प्लानिंग टू इन्वेड यूक्रेन लेकिन बट इट हैज बट हैज यूज इट्स बिल्डअप ऑफ एन एस्टिमेटेड वन लैक ट्रूप्स नियर द बॉर्डर टू फोर्स वेस्ट टू नेगोशिएट। रशिया कह रहा है मैं इनवेट नहीं करूंगा रही तो किस बात का एक लाख सोल्जर वहां पे बॉर्डर पे प्रेशर पुट कर रहे हैं ठीक है कि नेटो का एक्सपेंशन रोकिए नेटो जिस हिसाब से एक्सपेंड कर रहा है, है उसे रोकी वेस्टर्न कंट्रीज कह रही नो वी आर जस्ट प्रिपेरिंग फॉर टेंशन आउटर एंड एस्किलेटिंग ऑफ दिए यही न्यूज द हिंदू में अमिड यूक्रेन क्राइसिस नेटो सेंट्स प्लेन शिप्स ईस्टर्न तो यूरोप ये देखिए यूएस ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर सीट हियर तो ये आप देख सकते हैं दिस किसकी गलती है ये गलती है दोनों पार्टीज की मैं बता दूं आपको यहां पे यूक्रेन जैसे एंटीटी में यूक्रेन जैसे ही सोवियत यूनियन से अलग हुआ था यूएस ने यू नॉट बिलीव एट दैट टाइम वट एवर कंट्रीज हैड गॉन अवे फ्राम सोवियत यूनियन ब्रोकन अवे फ्राम सोवियत यूनियन डिस इंटीग्रेशन हैपन फ्राम सोवियत यूनियन यूएस ब्रॉट आउट अप इन ऑल दीज कंट्रीज ब्रिंगिंग अबाउट प्रोमोशन ऑफ अ कैपिटलिस्ट पार्टी और जितने देश अलग हुए थे उसमें नौ देशों में देखिए फोर्टीन कंट्रीज गॉट सेपरेटेड नाइन कंट्रीज में यूएस ने इंस्टॉल कर दी सरकार नाइनटीज में वहीं से दुश्मनी और आगे बढ़ती चली गई अब ऐसे कंट्रीज में यूएस को एंट्री नहीं करना चाहिए था जो आज चाइना कर रहा है रशिया चाइना एंड यूएस दीज कंट्रीज आर वर्किंग फॉर देयर ओन वेस्टर्ड इंटरेस्ट हैव नथिंग टू डू विद दिस कंट्रीज तो ये यूएस ने नौ देशों में सरकारें गिरा कर अप, अपनी इंस्टॉल करवा दी थी पार्टी की सरकार उस जगह पर सोचिए सब कुछ पैसे का खेल सेंट्रल एशिया पूरा उसके हाथ में आ गया था एक्सेप्टिस्तान इन सेंट्रल एशिया ऑल फोर कंट्रीज है और पता है इसी वजह से चाइना ने कहा वजह से होता है लेटमी चाइना वॉज नॉट वरीड अबाउट इट डिफेंस बट वेन इट सॉ यूएस इंट कमिंग इन सेंट्रल एशिया चाइना वॉज वरीड एंड देन चाइना ने शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन की तरफ Uh, जोर शुरू किया एस सी ओ इज अ डायरेक्ट फॉर्मेशन इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉट यूएस डिड इन सेंट्रल एशिया ये देखिए तो यस yes, नेटो का अलायंस एक्सपैंड हो गया है आप नेटो का देखिए यहां पे नेटो अ लुक नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए ईस्टर्न यूरोप की एक भी कंट्री नहीं थी उसमें और आज ये देखिए नेटो का अलायंस देखिए आप यू कैन सीट हेयर स्टूडेंट्स इज वॉट इज दिस इज इज वॉरिंग रशिया रशिया चिंतित है क्यों वो बार बार कह रहा है उन देशों में मत आओ जिन देशों में जिन देशों की दोस्ती मेरे साथ थी तो ये देखिए पोलैंड चेक रिपब्लिक हंगरी रोमानिया बुल्गारिया स्लोवाकिया लिथुआनिया लाटविया एस्टोनिया या तो ये सोवियत यूनियन से अलग हुए देश हैं या ये सोवियत यूनियन के साथ एक पैक्ट में थे वॉर्स ऑफ पैक्ट है आपने स्टूडेंट्स ये देखिए वॉर्स ऑफ पैक्ट कंट्रीज यू कैन सी इट सीट है वॉर्स ऑफ पैक्ट कंट्रीज अब कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी वॉर्स में साइन हुआ था एग्रीमेंट 1955 में ये डिसॉल्व हो गया 1991 में आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ सोवियत यूनियन एंड उसके बाद ये देखिए वॉर्स ऑफ पैक्ट कंट्रीज पोलैंड चेक स्लोवाकिया रोमानिया बल्गेरिया ये सारे कंट्रीज आज नेटो के मेंबर से देखिए सो दिस वाज द रीजन व्हाई रशिया ने कहा दैट वॉर्स ऑफ पैक्ट डिजॉल्व किया इसका मतलब क्या है आके कैप्चर कर लोगे रशिया ने कहा यू हैव रीच द बॉर्डर्स ऑफ रशिया नेटो हैज रीच द बॉर्डर्स ऑफ रशिया वी आर फेसिंग डेंजर वी आर फेसिंग द हीट ऑफ नेटो आउट हेयर

जैसे ही कोई डिफेंस ट्रीटी साइन होता है कुछ देशों के बीच में दूसरे देशों में परेशानी खलबली मच जाती है यस एंड दिस इज वॉट वरिंग रशिया रशिया इज सिंग अगर तुम दुश्मन हो और तुम ग्रुप बना रहे हो तो मैं क्यों बैठा रहूंगा इस जगह पे एंड दिस इज नॉट अबाउट टेकिंग साइट ऑफ रशिया दिस इज इक्वली ये जो आज स्टेट पहुंचा है वर्ल्ड का इट इज दीज थ्री कंट्रीज यूएस रशिया एंड चाइना आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट तो नेटो का देख लीजिएगा नेटो का फॉर्मेशन नेटो का नेटो को कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायस इट्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फोर्टी में साइन किया गया ट्रिटी ट्वेंटी नाइन कंट्रीज आज इसकी मेम्बर्स हेडक्वार्टर्स है, ब्रसेल्स बेल्जियम ये देखिए एंड इसकी कंबाइंड ट्रेनिंग होती है सबसे बड़ी बात है कंबाइंड ट्रेनिंग ऑफ नेटो इज बी इज डन नेटो कहा अटैक किया है किस किस जगह पे आप देख सकते हैं यहां बहवलुक मिनट मिलिट्री ऑपरेशन नेटो डेड नो मिलिट्री ऑपरेशन ड्यूरिंग कोल्ड वॉर हाउ एवर आफ्टर द एंड ऑफ सोवियत नेटो इंटरवीन इन मैनी कंट्रीज फर्स्ट बॉस्टिया में सर्बिया के खिलाफ एंट्री नेटो की होती है नेक्स्ट अफगानिस्तान में नेटो का ट्वेंटी ईयर्स तक रहता है वहां पर अभी विड्रॉ किया नेटो ठीक है अफगानिस्तान में आफ्टर नाइन इलेवन अटैक्स इराक वॉर टू थाउजेंड फोर गल्फ ऑफ एडन एंटी पायरेसी ऑपरेशन सोमालिया के पास 2009 लिबिया के सिविल वॉर में 2011 सीरिया के सिविल वॉर में अभी भी नेटो इन्वॉल्व है एक सवाल निकल सकता है जस्ट दैट द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिफेंस ट्रीटीज क्रिएट्स प्रॉब्लम्स क्रिएट्स रिपल्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कमेंट सवाल निकल सकता है यहां से ठीक है दिस द एक्सपेंशन द एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री ट्रीटीज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस ये देखिए इंटरनेशनल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिफेंस ट्रीटीज क्रिएट्स क्रिएट्स रिपल्स रिपल्स इन इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स कमेंट यस क्रिएट तो करता है यूक्रेन का कंडीशन देख लीजिए कमेंट टेन मार्क्स वन फिफ्टी वर्ड्स ये देखिए तो अब इसमें नोट देखिए नोट तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अब नेटो हो गया बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी इस बारे में बता दूं आपको प्रेम्स और मेन्स के लिए मेंस के लिए स्पेसिफिकली मेंस में एक एजेंसी आ रहा है हमेशा इंटरनेशनल एजेंसी जिसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है तो जरूर से इसे नोट कर लीजिएगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कमेंट जन मार्क्स वन फिफ्टी वर्ड्स तो क्या ये क्लियर स्टूडेंट्स टॉपिक ठीक है इसमें बार बार मैंने पढ़ा दिया है ये अच्छे से देखना पड़ेगा मैंने क्यों पीडीएफ अटैच किया है पूरा अब देखना पड़ेगा क्योंकि न्यूज uh, पढ़ के मालूम चल जाएगा पूरा इतिहास खंगालना पड़ेगा नेटो का ठीक है आई रिपीट द क्वेश्चन आई रिपीट द क्वेश्चन हैव अ लुक दिस इज द क्वेश्चन दिस टू मिनट्स द एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफेंस ट्रीटीज क्रिएट्स रिपल्स इन इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स कमेंट बस एक्सपेंशन या फॉर्मेशन कुछ किसी में भी क्वाड हो या शांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या नेटो हो नैटो इज बिग सक्सेस मैं बता दूं आपको ठीक है और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज अगला न्यूज कोल्ड वॉर का चाइना सेंट 52 एयरक्राफ्ट टुवर्ड्स ताइवान जोन ये ये न्यूज नहीं अब कितना पढ़ा जाए ठीक है हर एक महीने पे चाइना भेजता है फिर ताइवान भेजता है फिर यूएस बीच में आता है फिर वही गेम होता है ठीक है सो लीविंग दिस न्यूज आउट हीयर ताइवान चाइना रिलेशन आर ऑन द डाउन स्विंग एज ऑल ऑफ अस नो यस एंड ताइवान स्टेट में कंडीशन बहुत खराब चल रही हैं ठीक है, है? तो इसे याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं बुरकीना फासो प्रेसिडेंट हेल्ड बाय म्यूटिनस सोल्जर्स म्यूटिनी हो गया विद्रोह हो गया है सिपाहियों का विद्रोह हो गया बुरकीना फासो में प्रेसिडेंट कोई पकड़ लिया इन लोगों ने यह देखिए एंड uh, बुरकीना फासो कहां पे है बुरकीना फासो इज ज लोकेटेड इन अफ्रीका यू कैन सी लैंडलॉक्ट कंट्री सबसे बड़ी बात इस लैंडलॉक्ट कंट्री की है कि यहां से प्राइम मेरे प्रस का इंपोर्टेंट थ्रू विच कंट्रीज डाइमेडियन द ग्रीन विच मीन टाइम कट अक्रॉस ये देखिए जीएमटी या प्राइम मेरेडियन कौन से देशों को कट अक्रॉस करता है ध्यान दीजिएगा और साथ में यह भी सवाल आ सकता है दैट अफ्रीका के कौन से देश ऐसे हैं जहां जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी अक्रॉस करता है एंड प्राइमेडियन भी इट्स अल्जीरिया एंड इट्स माली ये देखिए तो बुर्किना फासो वर्ल्ड का सबसे पुअरेस्ट कंट्री था कभी आज से वन डिकेट बैक अब अभी का नहीं कंडीशन पता है बट लिटरेसी लेवल्स सबसे लोएस्ट हैं वर्ल्ड की अभी भी बुर्किना फासो दिस सिग्निफाइज अफ्रीका इज इन द क्लचेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डू यू एग्री पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अफ्रीका में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा ये देखिए पॉइंट इंस्टेबिलिटी एट हाइट्स एंड यू कैन सी दिस पर्सन ठीक है कि ये मिलिट्री का आदमी है ये ठीक है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का एग्जाम्पल बुरकीना फासो लैंड लॉक्ट कंट्री प्राइमेडियन पास कर रहा है प्राइम मेरेडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहे हैं अल्जीरिया से एंड माली से बस इतना काफी है यहाँ से ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा अगर सवाल आया अफ्रीका के ऊपर दिस इज अ चैलेंज चैलेंज अफ्रीका चलिए आगे बढ़े स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ इंडिया मार्क मेजर माइलस्टोन इंडिया के रिश्ते मंडे इवेंट लॉन्च द लोगो फॉर थर्टी एनिवर्सरी फीचरिंग द स्टार ऑफ डेविड एंड द अशोक चक्र सिंबल्स दैट अपियर फ्लैग्स ऑफ द टू कंट्रीज यू कैन सीट है एंड इसका मतलब है इंडिया इजराइल रिलेशन काफी काफी गहरे होते चले गए पिछले तीन डिकेट्स में डू यू एग्री इतने इतने ज्यादा रिलेशन अच्छे हुए यूपीएससी ने भी सवाल पूछ दिया है मीन मैसिव एग्रीमेंट साइन किए गए थे एंड ये सिग्निफाई कर रहा था कि डाइवर्सिटी आ गया है रिलेशन uh, में एग्रीकल्चर में भी कॉपरेशन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है मैनी फील्ड्स एग्रीकल्चर में भी डिफेंस में भी ये देखिए दिस स्पेस में भी इकोनॉमी में भी हर फील्ड में कॉपरेशन आगे बढ़ रहा है ये देखिए ठीक है एंड डेप्थ डेप्थ का मतलब क्या है जैसे एग्रीकल्चर में या डिफेंस में डिफेंस में मान लीजिए दिस इजराइल ने हमें फैल्कन फैल्कन ए डब्ल्यू ए सी एस दिया था ठीक है उसके बाद बरक मिसाइल्स भी दिया इसराइल ने डेप्थ का मतलब होता है एक ही फील्ड में कितनी ज्यादा दोस्ती ठीक है सो so डेप्थ भी आ गया है डाइवर्सिटी भी आ गया डायवर्सिटी मीन्स मेनी फील्ड मीन्स एक फील्ड में बहुत दोस्ती ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन यू यू शुड यस ठीक है इट स्टूडेंट्स तो इंडिया इसराइल कोऑपरेशन सवाल भी मैंने यहां पुटअप कर दिया आइए देखते हैं अगला टॉपिक कांट लेट इट कंटिन्यू डब्ल्यू एच ओ इज ऑन अ क्रिटिकल जंक्शन डब्ल्यू एच ओ चीफ रोने की कंडीशन में वाई क्यों कंडीशन खराब है उनकी क्योंकि क्योंकि इस जगह पे फंड्स के लिए मना कर दिया है यूएस ने कि फंड्स बढ़ाने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कान डू इट्स जॉब इफ में स्टेट एंड डोनर्स डोंट एग्री टू अ प्रोपोज फंडिंग इंक्रीज गिविंग द इंटरनेशनल हेल्थ बॉडी मोर ऑटोनॉमी डब्ल्यू एच ओ ने कहा कि हमें पैसे की जरूरत है फंडस फंड मिलेंगे तो हम लोग अच्छा काम करेंगे वर्क करेंगे हमें ऑटोनॉमी भी चाहिए ये देखिए बट ये जो प्रोपोज फंड्स का इंक्रीज था यूएस ने रिफ्यूज कर दिया है बढ़ाने से And this signifies if the current funding model continues, if the current funding model continues, WHO is being set up to fail, WHO's director general said, World Health Organization. So you can see it here the head of the WHO on Monday urged countries to work together to bring the acute phase of the pandemic to an end, saying that they have now have all the tools available to do so. कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक इज नाउ एंटरिंग इट्स थर्ड ईयर एंड वी एर एट ए क्रिटिकल जंक्चर सेट द डब्ल्यू एच ओ डेक्टर जनरल एंड ही ऑल्सो सेट दैट जर्मनी हेज बिकम द एजेंसी लार्जेस्ट डोनर विदाउट जर्मनी इस साल बन गया सबसे बड़ा डोनर दो हजार इक्कीस का यूएस को पीछे करता हुआ हिस्टोरिकली एस है बिग्गेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन अमंगस टू दर्गेनाइजेशन इज दिसर ऑफ ग्लोबल गवर्नेस टेलमी स्टूडेंट्स ये देखिए फेलियर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस ये देखिए उसका क्लासिकल एग्जाम्पल है ये शुरुआत कब से वब्ल्यू एच ओ से परेशानी किस बात की यूएस को यूएस में जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वॉज देयर लास्ट ईयर एंड वेन कोविड नाइन्टीन ब्रोकआउट इन चाइना ब्लू एच ओ ने लॉन्च किया इन्वेस्टिगेशन डोनाल्ड ट्रंप वॉज नॉट हैपी विद इन्वेस्टिगेशन डोनाल्ड ट्रंप ने अलेज किया था उस समय डब्ल्यू एच ओ की साठ गाठ है चाइना के साथ में चाइना के साथ में दोस्ती कर लिया डब्ल्यू एच ओ डब्लू एच ओ पार्शल्टी कर रहा है चाइना को स्पेस दे रहा है चाइना को एक्सक्यूज दे रहा है एंड uh, तुरंत यूएस ने कहा कि अब इस तरीके से उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अगर इस तरह से काम चलेगा तो डब्ल्यू एच ओ ना रहे तो ही अच्छा सबने फिर उस समय जर्मनी आ गया जर्मनी ने कहा चिंता मत कीजिए ऐसा वैसा है ठीक है इन्वेस्टिगेशन uh, टीम वापस भेजी जाएगी वहाँ पे, वहीं से डाउनफॉल शुरू हुआ फंडिंग का फ्रॉम यूएस। यूएस ने उसके बाद से फंडिंग करना कम और बंद कर दिया जर्मनी आकर उस जगह को ठीक किया लेकिन अग, अगर यही कंडीशन बनी रही इवन द प्रेजेंट यूएस प्रेसिडेंट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ Providing increased funding. अगर यही कंडीशन बनी रही डब्ल्यू एच ओ इज बाउंड टू फेल अगर आप बोलिएगा कि सर इस पर क्या सवाल पहले आया हुआ आइए उन्नीस में. में कुछ हुआ था कैश टू मच पॉलिटिक्स लीव यूनेस्को फाइटिंग फॉर लाइफ डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ यूएस विड्रॉल एंड इट्स एक्शन ऑफ द कल्चरल बॉडी एज बीन एंटी इजरेस दस नंबर वन फिफ्टी वर्ड्स में यह आंसर लिखना था 2018 में यूनेस्को से विड्रॉ कर गया था यूएस पहले इजराइल विड्रॉ किया फिर यूएस क्यों क्योंकि यूनेस्को ने पेलेस्टीन को एक स्टेटस ग्रांट कर दिया पेलेटीन को पेलेन को यस एंड इज इजराइल कंफ्लिक्ट गोइंग ऑन मी इन टेल मी इन द चैट बॉक्स नो यूक्रेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो मी टेल यू यूक्रेन इज ट्राइंग टू बी इन द नेटो तो ये आप देख रहे हैं यूनेस्को से विड्रॉ करता है पहले इसराइल वो कहता है पैलेस्टीन आएगा तो मैं नहीं आऊंगा यहां पर यूएस कहता है इसराइल विड्रॉ करिए तो मैं यहां पर क्या करूंगा यूएस ऑल्सो विड्रॉज ठीक है एंड एंड दिस सिग्निफाइज दैट ये देखिए कितना बढ़िया सवाल पूछा है और यूएस ने कहा जब मैं विड्रॉ करता हूं ना तो पैसा भी विड्रॉ करता है वहां से बिकॉज मैं ही फंडिंग करता हूं एजेंसीज का टू लिटिल कैश टू मच पॉलिटिक्स लीव यूनेस्को फाइटिंग फॉर लाइफ वेरी बिग स्टेटमेंट कमिंग अप एंड डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ यूएस विड्रॉल एंड इट्सेशन ये स्टेटमेंट आपको डिस्कस करना है कि कैसे पॉलिटिक्स ने रोल प्ले किया और कैश है नहीं यूनेस्को सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं ये देखिए एंड द सेम थिंग डब्ल्यू एच ओ न टू लिटिल फंड इट्स अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ फेलियर ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस ंट लेट इट कंटिन्यू ये टेड्रोस ने कहा टेड्रोस इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यू एच ओ सो यू कैन सी क्वेश्चन माइट कम आउट फ्रॉम हेयर एज वेल एंड यहां पर भी अगर यूनेस्को की जगह अगर हम लोग यहां पुटअप कर दें डब्ल्यू एच ओ ये देखिए टू लिटिल कैश टू मच पॉलिटिक्स लीव डब्लू एच ओ फाइटिंग फॉर लाइफ कमेंट यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ये देखिए लिटिल कैश टू मच पॉलिटिक्स लीव डब्लूएचओ फाइटिंग फॉर लाइफ कमेंट यस पॉलिटिक्स हुआ है इसमें चाइना का सारा दोष मर दिया डब्ल्यू एच ओ के नाम पर चाइना ने जितनी गलतियां की कोविड नाइनटीन से स्प्रेड किया हो सकता है चाइना ने लैब में बनाया हो सकता है वो एनिमल से आया हो सकता है जोनोटिक वायरस हो लेकिन जो भी डब्ल्यू एच ओ के मत है सब मर दिया गया और पैसा नहीं दिया जा रहा है डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अगर आप मुझे नहीं पैसा दीजिएगा तो अफ्रीकन कंट्रीज तक वैक्सीन नहीं पहुंच पाएगी और अफ्रीकन कंट्रीज तक वैक्सीन नहीं पहुंचा तो फिर देखिए फिर कोविड नाइनटीन कभी कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा वर्ल्ड में दिस इज इट आउट तो इस टॉपिक को देखिएगा ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए दो सवाल दे दिया मैंने लास्ट ईयर के प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर्स में से जो डायरेक्टली आए हुए यहां देख सकते हैं ठीक है लेट्स मूव अहेड इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट इंडिया कैन मेक इंडिया कैन मेक थ्री हंड्रेड बिलियन इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट जीएस पेपर थ्री सी द फर्स्ट न्यूज इंडिया कैन मेक थ्री हंड्रेड बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स इंडस्ट्री क्या इंडिया इसमें सबसे बड़ा सबसे ज्यादा इम्पोर्ट कर रहा है अपार्ट फ्राम अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इम्पोर्ट ये देखिए हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट्स और जेम्स एंड ज्वेलरी इंपोर्ट्स ये अगर साइड किया जाए ठीक है क्योंकि इसमें इसको वैल्यू एड करके इंडिया एक्सपोर्ट बैक भी करता है ठीक है तो सबसे बड़ा इंपोर्ट इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का है ये देखिए अब जब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात आती है ना तो ये क्यों सब कोई डिस्कस कर रहा है क्यों आ गया न्यूज में वाई इज द इवन द मिनिस्टर टॉकिंग अबाउट दिस वाई इज द डॉक्यूमेंट रिलीज बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट हुआ है इस साल एंड वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर दिस इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की बात 2019 में आई थी 2019 में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 फिर भूल जाया गया उसे ठीक है फिर फिर से अभी इस बार डिस्कशन शुरू हुआ तो फिर आ गया एक नया विजन डॉक्यूमेंट गिवन द अनफोरसीन एंड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस ब्रॉट बाई द पेंडेमिक इंडिया इज टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन ऑफ 300 बिलियन डॉलर्स बाय 2026 लोअर देन द टारगेट ऑफ 400 बिलियन डॉलर्स

400% परसेंट का इंक्रीज चाहिए आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हैज ग्रोन फ्रॉम 37 बिलियन डॉलर्स इन 2015-16 टू 67 बिलियन इन 2020-21 37 बिलियन डॉलर्स से 67 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचे हम लोग सात साल में ये देखिए 400% परसेंट इंक्रीज चाहिए तब जाकर हम लोग टारगेट अचीव कर पाएंगे थ्री बिलियन डॉलर का एंड देर आर मेनी चैलेंजेस जो इस डॉक्यूमेंट में जारी किया गया है देर आर वेरियस चैलेंजेस बींग फेस्ड बाई द इंडस्ट्री अक्रॉस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्वालिटेटिव में क्या क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैलेंजेस डो यू एग्री टेल मीन द चैट बॉक्स एंड क्वॉंटिटेटिव में टैरिफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रिलेटेड चैलेंजेस यस जब तक एफ टी एस साइन नहीं होगा दूसरे देशों के साथ में तब तक कॉम्पोनेट इंपोर्ट नहीं हो पाएंगे तब तक, तक सही से हम लोग काम नहीं कर पाएंगे सो चैलेंजेस आर देयर ठीक है डब्ल्यू एच ओ को अब क्या करना चाहिए डब्ल्यू एच ओ कुछ नहीं कर सकता है यह वही बात होगी कि उसका खर्चा पानी कोई और चला रहा है ठीक है सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सवाल पूछ सकती है यूपीएससी चैलेंजेस टू द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन द कंट्री चैलेंजेस चैलेंजेस में एक बड़ा चैलेंज स्किल्ड लेबर की समस्या भी है. चैलेंज में एक बड़ा चैलेंज सप्लाई चेन मिसमैनेजमेंट भी है आई होप यू एग्री विद चैलेंजेस में एक बड़ा चैलेंज माइनिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स भी है यस yes. चैलेंजेस में एक बड़ा चैलेंज सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री लैकिंग इन द कंट्री ये भी है बहुत सारी चीजें हैं यहां पे चैलेंजेस यू कैन अप चैलेंजेस टू इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इन द कंट्री ये देखिए पैसे की भी चैलेंज है ठीक है अब रीच कर रीच कर अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है चैलेंजेस को लेकिन ओवरकम करने बहुत में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी देखिए यही सेम न्यूज लाइव मिनट में गवर्नमेंट ऑन ट्यूजडे रिलीज विजन डॉक्यूमेंट विच एनविजेस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया टू क्वाड्रूपल फोर टाइम्स टू थ्री हंड्रेड बिलियन डॉलर बाई टू जीरो टू सिक्स देखिए यहां चैलेंजेस दिए हुए हैं कौन कौन से चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है और मैं ये बता दूं आपको ये जो इंक्रीज हुआ है ना दिस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग ठीक है uh, जो इंक्रीज हुआ लास्ट फाइव सेवन ईयर्स में अदरवाइज बाकी सेक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी भी वैसे ही हैं सो दिस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री इज फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस वॉट आर दीज दिस कैन दिस क्वेश्चन कैन कम इन यूपीएससी चलिए आगे बढ़ जाए देखिए लास्ट न्यूज आज का वाई आर बैंकिंग फ्रॉड शूटिंग अप इन द कंट्री देखिए बैंकिंग फ्रॉड्स आरबीआई का भी रिपोर्ट आया था उसी को लाइव मिनट देखिए यहां पे पुट अप कर दिया एक दिस बॉक्स में बैंकिंग फ्रॉड्स व्हाट आर बैंकिंग सेक्टर फ्रॉड्स दिस क्वेश्चन कैन कम अप ठीक है क्या क्या होते हैं फ्रॉड्स अब बैंकिंग फ्रॉड इज एन अटेम्प्ट टू सिफन और टेक फंड्स और अदर एसेट्स फ्रॉम फाइनेंशियल और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दिस में वेरी फ्रॉम डेटा थेफ्ट साइबर क्राइम एंड सिंपल मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट टू फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन इवन सब कुछ आता है फ्रॉड्स में ठीक है इवन रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स पे लोन लेना भी फ्रॉड में आता है दे कैन बी क्लासिफाइड अंडर वेरियस कैटेगरीज एंड इसके केसेस बढ़ गए हैं अभी बैंकिंग फ्रॉड केसेस रोज टू फोर थाउजेंड इन अप्रैल सेप्टेंबर सिक्स मंथ्स इन द लास्ट ईयर और ये पहले तीन हजार पांच सौ केसेस थे अभी चार हजार हो गए पांच सौ केसेस बढ़ गए हैं ठीक है ये तो जो सामने दिख रहा है वो ये तो ऐसे बहुत सारे साइबर थे बढ़े हैं अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए कितने लोगों के ठीक है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये जो रिपोर्ट है ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया ये रिपोर्ट बता रहा है एंड इट इज एक्सपेक्टेड द फ्रॉड्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज बिकॉज इंटरनेट एंड कार्ड ट्रांजेक्शन आर राइजिंग अप विथ द कमिंग डेज डू यू एग्री ये देखिए ये इंटरनेट और कार्ड ट्रांजेक्शन इंटरनेट या कार्ड ट्रांजेक्शन इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड ट्रांजेक्शन का सोचिए इस फ्रॉड में ठीक है और कितने साइबर क्रिमिनल्स बैठे हुए इसीलिए इसी कभी एस एम एस सेंड करके कभी लिंक uh, सेंड करके कभी व्हाट्सएप लिंक सेंड करके कुछ ना कुछ करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। और इससे पता है क्या होता है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग फ्रॉड्स इससे क्या असर पड़ता है बैंकिंग सेक्टर पे? फ्रॉड्स एरोड द कस्टमर कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम डू यू एग्री अब कस्टमर का फाइनेंशियल सिस्टम में विश्वास उठ जाता है तब वो कैश रखना घर में शुरू करता है दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी कैश मस्ट बी केप्ट इन द फाइनेंशियल सिस्टम टू बी यूटिलाइज समवेयर एल्स और ये देखिए यहां लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशनल रिस्क रेपुटेशन गोस डाउन ऑपरेशनल रिस्क कम्स अप बिजनेस रिस्क कम्स अप शायद वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फेल भी कर जाता है कितनी जगहों पर एंड हाई वैल्यू फ्रॉड्स कैन लीड टू कोलैप्स ऑफ बैंक डू यू एग्री टेल मी एंड समाइम्स द होल इकोनॉमी यस एज है इन यूएस सब प्राइम लैंडिंग क्राइसिस तो रिस्टेशन ही आ गया पूरे विश्व में यह देखिए इससे निकले नहीं है कितने देश अभी तक यह फ्रॉड ही था बैंक का ये देखिए एंड uh, इससे होता क्या फ्रॉड से द प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिप्राइव्ड ऑफ मनी यस जहाँ पैसा जाना चाहिए वहाँ जाता नहीं है ये फ्रॉड के लोग लेकर बाहर निकल जाते हैं ठीक है <coughs> बारबाडोस बारबाडोस से यूके यूके से यूके में क्रिकेट मैच देख रहे हैं आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर विजय माल्या एंड नीरव मोदी ठीक है एंड मेहुल चौकसी सम एग्जाम्पल्स ऑफ बैंकिंग फ्रॉडल ट्रांजेक्शन बींग डन इन द कंट्री तो अब यहाँ पे अब आरबीआई ने कहा है कि अब हमें एक मीन्स uh, एक प्लान ऑफ एक्शन भी चाहिए हम ये एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगा ही अब तो आप खुद देखिएगा विद इन सिक्स टू एट ब्रिंगिंग आउट सीरीज ऑफ चेंजेस एंड अ सीरीज ऑफ डायरेक्शंस हाउ टू रिड्यूस द बैंकिंग फ्रॉड्स इन द कंट्री तो बैंकिंग फ्रॉड्स के इम्पैक्ट क्या क्या है ये सवाल निकल सकता है स्टूडेंट्स इम्पैक्ट ऑन द बैंक वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल वेरी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट ऑन द कंट्री वेरी इंपॉर्टेंट तीन जगह पे आपको इज इट क्लियर स्टूडेंट सो दिस न्यूज ये बैंकिंग फ्रॉड के बारे में एक न्यूज था एक न्यूज था इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग टू बी पुस्ट अप उसके पहले का न्यूज था स्टूडेंट ये डब्ल्यू एच ओ इज ऑन क्रिटिकल जंक्शन उसके पहले इंडिया इज रेल रिलेशन उसके पहले बुरकीना फासो यहां से प्राइम रेडियन गुजर रहा देख लीजिएगा उसके पहले नेटो मिलिट्री ऑपरेशंस एंड उसके पहले स्टूडेंट्स दिस मराइटल रेप के ऊपर इम्यूनिटी एंड लॉ सेंटर ने समय मांगा है बहुत ही कॉशियस अप्रोच के साथ में फ्रेम uh, किए जाएंगे रेगुलेशंस और उसके पहले इंटरनल सिक्योरिटी करनी है बी एस एफ ने कहा है सॉ टेररिस्ट वेट कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेट करने के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्ड सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज ऑफ टूडे आई होप यू एंजॉय द सेशन आधे घंटे मिलते हैं दूसरे यूट्यूब चैनल मैं बता दूं आपको रोज ये दो सेशन होते हैं पहला होता है लगभग सात बजे के आसपास दिस से डेली करंट अफेयर एक्सप्रेस द सेकेंड सेशन इज ऑफ एडिटोरियल एंड आर्टिकल हेल्ड ऑन अनदर चैनल द कंसेप्ट लेकिन आज से ये द कंसेप्ट से शिफ्ट हो रहा है ये एडिटोरियल का डिस्कशन ये देखिए एडिटोरियल का डिस्कशन शिफ्ट हो रहा है द कंसेप्ट से कहा शिफ्ट हो रहा है ध्यान दीजिएगा अन एकेडमी आर्टिकुलेट चैनल ये देखिए अनएकेडमी आर्टिकुलेट चैनल पे शिफ्ट हो रहा है आज का सेशन आज से एडिटोरियल का सेशन तो जरूर से अभी जस्ट आधे घंटे में अनअकेडमी आर्टिकुलेट पर आइए और वहां पे एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कशन चलेगा तो दैट वॉज इट नमस्कार स्टूडेंट्स ठीक है द कंसेप्ट से शिफ्ट कर दिया गया नोट कर लीजिए इसे आई विल विन द टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी अंडर स्कोर अनुराग सिंह तो दैट वॉज इट नमस्कार जय हिंद टेक केयर स्टूडेंट्स